गुड मॉर्निंग एवरी वन आर यू आई होप यू ऑल आर वेल कैसे आप लोग वेलकम बैक इन योर ई वी एस क्लास टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर फोर्टीन एंड द टॉपिक ऑफ़ आवर चैप्टर इज़ द स्टोरी ऑफ फूड यहाँ पर आपको टू फैमिलीज़ की इमेज दिख रही है वीटू की फैमिली और रानी की फैमिली आप देखोगे दोनों फैमिलीज में बहुत सारे अंतर हैं है ना वीनू की फैमिली में वीनू की मदर कुक कर रही है फादर क्लीनिंग द फ्लोर है ना रानी की फैमिली में मदर कुक कर रही है सेकेंड इमेज में रानी वीनू सर्व कर रही है और उसके मदर फादर खाना खा रहे हैं और सेकेंड पिक्चर में रानी सर्व कर रही है फूड मेल मेंबर्स को लास्ट इमेज में आप देखोगे कि वीनू राइडिंग अ बाइसिकल बाइसिकल चला रही है और जो उनके मदर फादर हैं वो न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो ऐसे ही सेकेंड में रानी में की फ़ैमिली में उसके पापा वो तो न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं और रानी और उसकी मामा जो है वो बाहर से सामान लेके आ रही हैं तो ये तो दोनों की फ़ैमिली में डिफरेंट टाइप के वर्क थे कि वीडो की फैमिली में मदर फादर है ना सभी लोग मिल के वर्क कर रहे थे और खाना भी सब साथ कर रहे थे लेकिन रानी की फ़ैमिली में सिर्फ मदर अकेले खाना बना रही थी और जो उनके मेल मेंबर्स थे वो क्या कर रहे थे बताओ पहले वो खाना खा रहे थे है ना और रानी और उसकी मम्मी बाहर से पानी भर के ला रही थी और रानी के पापा न्यूज़ पेपर कर रहे थे तो कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जिसमें सब लोग मिल बाँट के काम करते हैं एक साथ खाना खाते हैं और कुछ फैमिली ऐसी होती है जिसमें पहले मेल मेंबर्स को खिलाया जाता है और मम्मी फिर लास्ट में खाना खाती है नाव डो ऑल द पीपल इन यूर फैमिली एट टूगेदर क्या आपकी फ़ैमिली में सब एक साथ खाना खाते हैं येस या नो हु इट्स लास्ट इन द फैमिली लास्ट में कौन खाता है माई मदर हु डज नॉट हेल्प इन कुकिंग फूड इन द फैमिली फैमिली में आपकी फैमिली में कौन हेल्प नहीं करता तो आप कुछ भी लिख सकते हो कि आप नहीं करते हैं. आप क्यों नहीं करते हो बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू कुक कि कैसे खाना बनाया जाता है नीचे कंप्लीट द टेबल यहाँ पे बहुत सारे वर्क हैं जो डन इन द हाउस और हु डज द वर्क कौन इस वर्क को करता है वो आपको एक तो आपकी फैमिली का लिखना और आपके फ्रेंड के घर में ये वर्क कौन करता है कुकिंग फूड दोनों घर में मदर करती है इसलिए मदर मेंशन किया गया बाई थिंग्स फ्रॉम द मार्केट मार्केट से थिंग्स कौन लाता है फादर है ना फ्रेंड के घर में फादर एंड मदर दोनों स्वीपिंग का काम कौन करता है मदर एंड फादर और फ्रेंड के घर में ओनली मदर क्लिनिंग दूटेंसिल्स तो आपके घर में मदर एंड फादर दोनों और फ्रेंड के घर में ओनली मदर फिलिंग वाटर वाटर कौन फिल करता है तो आपके घर में मदर और फ्रेंड के घर में ही मदर ऑफिस कौन कौन जाता है गोइंग टू ऑफिस तो हमारे घर में तो मदर एंड फादर और फ्रेंड के घर में ओनली फादर तो हर घर में डिफरेंट टाइप के वर्क्स और डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उनमें हेल्प करते हैं फूड डज मोर वर्क आपने टेबल देखी ना फिल किया आपने सबसे ज़्यादा काम कौन करता है तो ममा करती है और फ्रेंड के घर में भी ममा करती है तो फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम फूड कहाँ से आता है देर आर टू सोर्सेज ऑफ फूड प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना वी गेट फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स बस मोस्ट ऑफ़ द फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स अब यहाँ पे कुछ आपको फूड आइटम्स की पिक वर्ड्स लिखे हुए हैं जो फूड आइटम आप प्लांट से आपको मिलता है उन पे तो आपको ग्रीन कलर का सर्कल करना है और जो आपको एनिमल से मिलता है उसमें आपको रेड कलर से सर्कल करना है ओके okay? नाउ मैंने ऑलरेडी सर्कल किया है हनी मिल्क फिश मीट एग ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है एनिमल से इसलिए मैंने इसमें रेड सर्कल किया है एंड जो अदर फूड आइटम्स हैं वी गेट फ्रॉम प्लांट सो मैंने ग्रीन कलर से उसमें सर्कल किया है वेन यू आर सिक डू यू टेक एनी मेडिसिन विच वी गेट फ्रॉम प्लांट जब आप बीमार होते हो तो प्लांट से मिलने वाली कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मेडिसिन के रूप में हम यूज़ में लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल गेट हर्ट जब आपको चोट लगती है तो हम क्या लेते हैं टर्मरिक मम्मी हल्दी मिल्क में मिक्स करके देती है कि जब हल्दी मिल्क में हल्दी डाल के हम टर्मरिक में हल्दी हल्दी डाल के पिएंगे तो आपका जो आ, आपको जो चोट लगी है उसका जो पेन है वो ठीक हो जाएगा है वेस्टर्मे कैट आपके अगर पेट में दर्द है तो मम्मी क्या करती है वाटर के साथ ब्लैक सॉल्ट है ना काला नमक और अजवाइन मिक्स करके देती है कि इसको खा लो इससे पेट दर्द ठीक हो जाएगा हैवे कफ एंड कोल्ड जब कफ और कोल्ड होता है तो मम्मी क्या करती है फिर मिल्क में टर्मरिक डाल देती है कि पी लो इससे आपका कफ कोल्ड ठीक हो जाएगा टूथ टूथेक जब आपके दांतों में दर्द होता है तो पुट क्लोव ऑयल इन द माउथ क्लोव मीन्स लोंग आप किचन में मम्मी से पूछना कि लॉन्ग दिखाओ तो या तो हम लॉन्ग को रख लेते हैं टीथ वाली जगह पे हमें पेन है या उसका जो ऑयल होता है उसे हम कॉटन में ऑयल को लगा के हम पेन वाली जगह पे कॉटन को रखते हैं वंस अगेन गेट हर्ट वी टेक टर्मरिक विथ मिल्क हैवे स्टमक एक पेट दर्द में वाटर के साथ ब्लैक सॉल्ट तो लेते ही हैं अजवाइन कभी कभी हम सॉल्ट और अजवाइन भी लेते हैं वाटर के साथ कफ एंड कोल्ड में हम टर्मरिक और मिल्क तो लेते हैं बट कभी कभी तुलसी जिंजर लौंग इन सबको मिला के मम्मी टी भी बना के देती है ना हैवे टूथेक में हम ऑयल अप्लाई करते हैं तो ये आपको कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो मेडिसिन के रूप में वी यूज नीम तुलसी एलोवेरा बीट क्रास जिंजर आमला टर्मरिक ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं तो हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट से फ्रूट्स ऑयल ब्रेड जूस राइस वेजिटेबल पल्सेस नट व्हीट है ना डिफरेंट आइटम्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्रॉम एनिमल मीट चिकन फिश चीज़ है ना एग आल्सो ये सारी चीज़ हम एनिमल से लेते हैं मिल्क प्रोडक्ट मिल्क से क्या क्या चीज़ें बनती हैं घी है बटर है चीज़ कर्ड आइसक्रीम कस्टर्ड खीर ये मम्मी बनाती है ना आपके घर में शेक बनाते हैं ये सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं नाउ द प्लांट पार्ट्स वी ईट हम प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स हम खाते हैं सम ऑफ द रूट्स दैट वी ईट कैरेट बीट रूट रेडिश टर्नर ये सारे जो वेजिटेबल हैं ये अंडरग्राउंड यानी सोइल के अंदर उगते हैं तो इनमें आपको रूट्स भी दिखेंगे जब कभी आप कैरेट रेडिश देखोगे ना उसमें आपको छोटे छोटे रूट्स भी दिखेंगे तो दे आर रूट्स और हम इनको खाते हैं सम ऑफ द स्टेम्स दैट वीट पटेटो है अनियन है ना, फैनल है ये सारे स्टेम होते हैं सम ऑफ द लीव्स दैट वीट कुछ प्लांट की लीव्स के पार्ट को हम लीव्स के रूप में खाते हैं फॉर एग्जाम्पल इसमी कैबेज मेथी कोरिएंडर मीन्स धनिया मिंट पुदीना ये सारे जो इनके लीव्स होते हैं पत्ते होते हैं हम इनको घर में यूज़ करते हैं सम ऑफ़ द फ्लावर्स दैट वीट कुछ फ्लावर्स भी हम खाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कचनार फ्लावर बनाना फ्लावर्स ड्रमस्टिक फ्लावर्स कॉली फ्लावर ब्रोकली ये सारे हम खाते हैं नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बनाना फ्लावर क्लोव एंड सैफरॉन क्लोव बर्ड इज़ यूज एज स्पाइस एंड सैफरन इज ऑल्सो यूज ए स्पाइस यहाँ पे आपको फोर बास्केट बनी हुई है फोर बास्केट्स में एक में फ्लावर एक में लीव एक में फ्रूट एक में एनी अदर पार्ट ऑफ ए प्लांट मेंशन है और सेंटर में डिफरेंट फूड आइटम्स हैं तो कौन सी चीज़ फ्लावर है कौन सी फ्रूट है कौन सी लीव्स हैं ये हमें मैच करना है फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लावर्स ऑफ कचनार फ्लावर तो फ्लावर से मैंने मैच किया जैक फ्रूट 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 से मैच किया मैंने है ना पटैटो पटैटो क्या है स्टेम है तो इसमें स्टेम तो किसी बास्केट में नहीं लिखा ना तो इसलिए मैंने इसको एनी अदर पार्ट ऑफ ए प्लांट से मैच कर दिया बनाना भी फ्रूट है फ्रूट से मैच कर दिया है ना ऐसे ही मैंगो मैंगो भी फ्रूट है फ्रूट से मैच कर दिया मैंने ठीक है पीने है पालक है पालक की हम लीव्स खाते हैं तो इसलिए मैंने उसको लीव से मैच कर दिया ओके नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ सम फूड आइटम्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड

जो सॉइल से ऊपर विच ग्रो अबव द ग्राउंड जो ग्राउंड से ऊपर ग्रो करता है उसे हम शूट कहते हैं शूट बेयर्स स्टेम फ्रूट लीफ है ना ये शूट वाले पार्ट में ग्रो करते हैं सो यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक थैंक्स फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय बाय टेक केयर ऑलवेज Thank you once again.